फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर हमारा वजन बढ़ जाता है तो उससे हमें क्या नुकसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे शरीर में इतने सारे हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से हमारे शारीरिक और फिजिकली जैसे कि बनावट में काफ़ी सारे चेंजेज हैं जो वो आ जाते हैं। यानी कि हमारा जो वेट होता है वो किसी का वेट है जो कि गेन होता है तो किसी का वेट लॉस होता है। अगर आपका प्रेगनेंसी के टाइम पर जैसे कि वेट गेन होता है अगर ओवर हो जाता है तो उससे क्या नुकसान है आपको हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपका जैसे कि वेट ज़्यादा हो गया है तो आपको हाइपरटेंशन की समस्या है जो कि वो हो सकती है। और नंबर दो, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो जैसे कि रिस्क होता है वो उन लेडीज़ में ज़्यादा हो जाता है जिनका वज़न है जो कि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यानी कि डायबिटीज़ का ख़तरा भी है जो कि वो बढ़ जाता है। अगर आपका जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है तो इससे आपके जैसे कि लेबर और साथ ही जो डिलीवरी की समस्याएं होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इस समस्या में आपकी जैसे कि मोस्टली है जो कि सिजेरियन ही डिलीवरी है जो कि वो करते हैं, और यानी कि सिजेरियन की जो टेंडेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वेट काफ़ी बढ़ चुका है तो आपको एनीमिया की समस्या भी हो सकती है। और यदि आपका जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा वज़न है जो कि वो बढ़ जाता है तो आफ्टर डिलीवरी भी आपका वज़न कंट्रोल में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने आप को थोड़ा जैसे कि उतना वेट रखिए जितना कि प्रेगनेंसी के टाइम पर होना चाहिए। और अगर आपका जैसे कि वेट बढ़ा हुआ होता है तो इससे जैसे कि आपके बेबी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी आपके जो होने वाला बेबी होता है उसका जो वज़न वो कम हो सकता है और लो बर्थ है जो कि वो हो सकती है आपके बेबी की। और यदि आपका जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ओवरवेट हो जाता है तो आफ्टर डिलीवरी के बाद भी जैसे कि आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने में थोड़ी सी मुसीबत है जो कि वो आ सकती है। इसलिए आप प्रेगनेंसी के टाइम पर अपना वेट है जो कि वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। और प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ का कितना वेट है जो कि वो नॉर्मल होना चाहिए, ये प्रेगनेंसी के टाइम पर कितना है जो कि वो बढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस है जो कि वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।